हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। आज एक नया अपडेट आया है CITS के एग्ज़ाम मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर। तो जो लोग CITS 2018 एंड 19 जो 2018 से 19 सेशन में थे, तो वो लोग का 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन जो लोग 2019 में क्वालिफाई नहीं कर पाया था तो उसका 2020 में जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम। या तो जो लोग एग्ज़ाम 2019 में एग्ज़ाम नहीं दे पाया था तो वो लोग का 2020 के जनवरी में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था, या फिर जिसका परसेंटेज कम था वो भी उस एग्ज़ाम दिया था। तो उस एग्ज़ाम का जो मार्कशीट है वो बहुत दिन पहले आ चुका है कि 2018-19 सेशन का जो मार्कशीट है वो बहुत दिन पहले आ चुका है, लेकिन उसका सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया था। तो कल जो है TGT की तरफ से सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है। तो ये जो सर्टिफिकेट है आपको NCVT MIS.gov.in इस वेबसाइट में मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप जाइएगा इस वेबसाइट पे, तो यहाँ पे देखिएगा नीचे में CITS एनुअल पैटर्न मार्कशीट एंड डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट आर डाउनलोडेबल फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पे जाके आप अगर मार्कशीट पे क्लिक करते हैं तो मार्कशीट आपको दिखाई देगा, और सर्टिफिकेट में क्लिक करते तो सर्टिफिकेट आपको वहां से डाउनलोड हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग चलते हैं मार्कशीट का, तो पहले वीडियो बना चुका हूं मार्कशीट कैसे डाउनलोड करना है, तो अभी देखते हैं हम लोग सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट में अगर हम क्लिक करते हैं तो ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली आपको जो जो मांग रहा है वो फिल करना है, जैसे कोर्स टाइप आपको CITS एनुअल देना है, और आपका जो CITS का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, CITS का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको डालना है। रजिस्ट्रेशन डालने के बाद आपको जो है ईयर देना है, जैसे 2019 का जुलाई। तो जो लोग 2018-19 सेशन में 2019 में उसका अटेंडेंस कंप्लीट हो गया था, या फिर वो CTI पास हो गया था हर सब सब्जेक्ट में, ठीक है, तो वो लोग जुलाई 2019 का सर्टिफिकेट में अप्लाई क्लिक कीजिएगा। और जो लोग सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया है जनवरी 2020 में, वो लोग जनवरी 2020 को सिलेक्ट कीजिएगा। तो जनवरी 2020 में जो सप्लीमेंट्री का जो सर्टिफिकेट है वो अभी डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड PDF में क्लिक करना है। तो डाउनलोड PDF में क्लिक करने के बाद आपको ऐसे सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा PDF फाइल में, ठीक है। तो देखिए ये जो है हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया PDF फाइल में। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम लिखा है, और आप जो इंस्टीट्यूट से CTI किए हो उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हावड़ा। उसके बाद देखिए स्किल NSTI का जो एड्रेस है वो दिया है, और स्टेट दिया है, डिस्ट्रिक्ट दिया है, और कौन सा ट्रेड में वो CITS किया है उस स्टेट का नाम दिया है, और ट्रेनिंग ड्यूरेशन दिया है 1 ईयर। और देखिए एडमिशन सेशन जो है यहाँ पे 2018 दिखा रहा है, तो 2018-19 सेशन का है, लेकिन वो कुछ कारण के लिए 2019 के जुलाई एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाया, तो इसीलिए 2020 का जनवरी एग्ज़ाम में बैठा है। तो इसका देखिए यहाँ पर जो ट्रेड टेस्ट, जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट का जो मंथ दिया है वो जनवरी है, और ईयर जो है 2020 है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री के लिए जो है आपका देखिए यहाँ पे गैपिंग जो हो गया 2018-20 गैपिंग हो गया, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, सप्लीमेंट्री जितना भी कैंडिडेट है उसका सर्टिफिकेट में जनवरी 2020 ही लिखा रहेगा।
उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा डेट देखिए, यहाँ पे डेट जो है 26/7/2020, यानी कि कल जो है सर्टिफिकेट रिलीज हुआ है, सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है वो कल, ये जो डेट है इस डेट में कल इशू हुआ है, तो कल से डाउनलोड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे एक नोट दिया गया है जो कि लिखा है दिस सर्टिफिकेट इज़ वैलिड फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ इशू एंड वैलिडिटी मे बी एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स बाय अटेंडिंग DGT अप्रूव्ड रीस्किलिंग कोर्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 5 साल तक वैलिडिटी है, और ये जो सर्टिफिकेट है जब आपका जिस डेट में सर्टिफिकेट इशू हुआ है, जैसे ये देखिए 26/7/2020 इस डेट में सर्टिफिकेट इशू हुआ है, तो इस डेट से 5 साल तक आपका जो है सर्टिफिकेट का वैलिडिटी रहेगा, यानी कि 2025 साल तक इस सर्टिफिकेट का वैलिडिटी रहेगा। और ये जो सर्टिफिकेट है 5 साल तक और भी बढ़ा सकता है जब आप DGT अप्रूव्ड रीस्किलिंग कोर्स कीजिएगा। जब आप DGT अप्रूव्ड रीस्किलिंग कोर्स कंप्लीट कीजिएगा, फिर से आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब जाके आपको ये जो सर्टिफिकेट है फिर 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये CITS के लिए नया रूल्स आया है कि CITS का जो सर्टिफिकेट है ये 5 साल तक वैलिडिटी कर दिया, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नया CITS जो कैंडिडेट है वो भी, जो लोग नया फॉर्म भर रहे हैं वो लोग भी, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो ये जो सर्टिफिकेट का है ये आपका पॉकेट सर्टिफिकेट है, इसको आप जो है प्रिंट आउट करके ये अपना पॉकेट में आई कार्ड के हिसाब से आई कार्ड के तरह रख सकते हैं, जिसमें आपका ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, ठीक है। तो ये था आज का अपडेट। जो लोग 2020 में, 2020 के जनवरी में सप्लीमेंटरी एग्ज़ाम दिया है वो लोग जल्द से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपका आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।